आम बजट में सोने पर आयात शुल्क को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 करने की घोषणा हुई है, जबकि जौहरियों को इस बजट में आयात शुल्क दर घटाकर 4 फीसदी करने की उम्मीद थी। जौहरियों का कहना है कि सोने पर अभी 3 फीसदी जीएसटी भी है, जिससे विदेशों की तुलना में भारतीय बाजारों में सोना 15.5% महंगा हो जाएगा। वहीं सोने की तस्करी भी बढ़ेगी। इस मुद्दे पर जयपुर सराफा कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल और जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव अजय काला से बातचीत की संवाददाता विमल कोठारी ने। शुक्रवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में सोने और चांदी के आयात पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला हुआ है। इस फैसले के साथ ही जयपुर में भी सोने और चांदी के भावों में 900 रुपये और 950 रुपये की बढ़ोतरी हुई। हमारे साथ जयपुर सराफा कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर कैलाश मित्तल हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये फैसला क्यों हुआ। सर, ये बढ़ोतरी क्यों हुई, जबकि अभी तो आज घोषणा हुई है, कस्टम्स कानून तो आज रात को 12 बजे बाद में लागू हुई। देखिए, जब भी कस्टम कानून 12 बजे बाद लागू होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये हमेशा देख लीजिए आप कि जब भी कभी कोई भी ड्यूटी बढ़ाई गई है तो सेम डे से लागू कर दी गई है, क्योंकि इंपोर्ट जो भी होगा आने वाला टैरिफ के अंदर में उसे नई ड्यूटी से लिया जाएगा। तो अब जो नया माल जितना भी आएगा वो नई ड्यूटी की रेट के ऊपर ही आएगा, तो उसको देखते हुए इन्होंने MCX के अंदर में भी आप देखिए मार्केट में सीधा 950 रुपये की एक साथ तेजी आ गई सुबह 950 रुपये की। तो व्यापारी को किसी भी माल बाइंग करना पड़ेगा MCX की रेट से पड़ता उसी से बाइंग करनी पड़ती। सर, जैसे सोने चांदी की जैसे जो रेट बढ़ी है, इसी के साथ में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी रेटें बढ़ाई, लेकिन जो आज सुबह पेट्रोल डीजल की रेट थी वही रेट आज शाम को भी है, तो ऐसे में लगता नहीं ग्राहक के साथ में किसी तरह की चीटिंग हुई है। आप चूंकि सराफा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और जयपुर में भाव सराफा कमेटी जारी करती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर देखिए, ये MCX जो है ना, हमारा ट्रेड चलता है MCX से। अगर MCX में अगर आज तेज़ी नहीं आती तो हम भी तेज़ी नहीं लाते, क्योंकि हम तो MCX से सारी पड़ताल फड़ावर करते हैं मार्केट में सोने चांदी के भाव के। तो MCX हमारा पर्सनल तो है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ सेंटर है ये, उसमें एक साथ तेजी आई तो हमने भी गोल्ड के अंदर में तेजी उसी आधार पर बढ़ानी पड़ी। सोने पर आयात शुल्क को लेकर जोहरी खासे परेशान हैं। इसका कारण ये है कि 2013 में सोने के इम्पोर्ट पर जो ड्यूटी थी वो केवल 1% थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर एक साथ 10% कर दिया। जोहरियों की उम्मीद ये थी ये जो 10% ड्यूटी है, इस 10% ड्यूटी को रिड्यूस करके इस बजट में 4% कर दिया जाएगा, लेकिन बजट प्रोविजंस में हुआ उल्टा और 10% ड्यूटी को बढ़ा करके 12.5% कर दिया। हमारे साथ जयपुर चैम्बर के महासचिव और प्रमुख ज्वेलर मिस्टर अजय काला हैं। हम उनसे जानते हैं कि सोने के आयात शुल्क में हुई इस बढ़ोतरी का व्यापार पर किस तरह का असर पड़ेगा। सर, क्या असर पड़ेगा व्यापार? देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इसको इस बजट में कम से कम 4% तो रिड्यूस करेगी ही, और ये सब लोग मान के चल रहे थे कि 6% ड्यूटी अब रहेगी। पर उसके विपरीत जब सरकार ने आज घोषणा की है, वित्त मंत्री जी ने 12.5% की, तो ये हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि इससे टोटल इंडस्ट्री पर बड़ा फर्क पड़ेगा। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।